अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट किंगडम फंजाय। किंगडम फंजाय इज़ द थर्ड किंगडम ऑफ 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। फंजाय को उर्दू में फंगस कहते हैं या फफुंदी भी कहते हैं। फंजाय कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब फंजाय का या फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एक फंजाय है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड की तरह है। फंजाय कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा किंगडम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाए, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। तो फंजाय जो है वो यूनिसेलुलर भी होता है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो फंजाय जो है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स, मल्टी सेलुलर मीन्स जहाँ एक सेल होगा वो यूनिसेलुलर कहलाएंगे और जहाँ एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। सो फंजाय कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक। फंजाय कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। प्लांट्स की तरह फंजाय अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि फंजाय में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर फंजाय अपना खाना कहाँ से खाते होंगे या कहाँ से हासिल करते होंगे। सो दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड मैटर। फंजाय जो है वो अपना खाना ऐसी चीज़ों से, ऐसे मटीरियल से या इससे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं जो मर चुके होते हैं, जो ख़राब हो चुके होते हैं, जो हमने यूज़ नहीं करते। जैसे कोई लकड़ी है या कोई पानी है जो ख़राब हो गया है या बर्न कर दिया है, जला दिया है हमने, वहाँ से फंजाय अपना खाना हासिल करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि फंजाय किस जगह पर ग्रो करते हैं। दे ग्रो इन डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस। डैम्प की मीनिंग है नमी और मॉइस्ट को आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ जो गीली हो, मींस इसकी जो मीनिंग है वो है गीली। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो पिक्चर्स है, एक पिक्चर है घर के कॉर्नर की और एक पिक्चर है घर की जो बहुत पुराना है। आप देख सकते हैं कि उस दीवार पे हम कितनी ग्रीन 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 आपको शेडो नज़र आ रहा है। ये ग्रीन जो है या ये ग्रीनरी जो है ये असल में फंजाय है। और यहाँ फंजाय क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर नमी थी, नम थी, गीली ये जगह थी, जिसकी वजह से यहाँ पर फंजाय ग्रो कर गई। और आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में, या अगर अपने घरों में नहीं तो बाकी किसी और के घरों में देखा होगा कि फंजाय वहाँ पर किस तरीके से ग्रो कर रही होती है। कॉर्नर्स पर जहाँ पर सेम होती है वहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी नज़र आती है, मीन्स फंजाय या जो फंगस है वो उगना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो हमने बात की थी मकान की, अब हम बात करते हैं खाने के बारे में कि फंगस खाने पर भी ग्रो करती है। तो हाँ, फंगस हमारे फूड पर, हमारी ब्रेड पर या हमारे खाने पर भी ग्रो कर जाती है। कब ग्रो करती है, जब वो खाना या वो ब्रेड ख़राब हो जाते हैं नमी की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो पिक्चर, एक फ्रेश ब्रेड की और एक फंगस ब्रेड की। फ्रेश ब्रेड वो जो आपने शॉप से लाया और आपने खा लिया। फंगस ब्रेड वो ब्रेड मींस आप लेकर आए लेकिन आपने नहीं खाई और वो यूं ही रखी रह गई, आपने फ्रिज में रख दी, जिसकी वजह से वो 2 या 3 दिन के बाद वहाँ पर फंगस ग्रो कर जाती है। और अगर आप वो खाते हैं उस फंगस ब्रेड को तो आपको फूड पॉइजन भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम चपाती के बारे में। तो आपको पता है आपके घर पे आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर या आपकी पुप्पो या आपकी खाला जो भी आपको चपाती बना कर देती हैं, अगर आप वो चपाती आप उस वक्त ना खाएं और उसे आप रख दें तो 1 या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उस चपाती पर आपको ग्रीन ग्रीन शेडो नज़र आ जाएगा, वो सूख जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, फंगस जो है वो ग्रो कर जाएगी और वहाँ जो ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा वो आपको फंगस जो है जिसकी
वजह से आपकी वो जो चपाती है वो ख़राब हो जाती है और वहाँ से स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाती है। और आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास दो चपाती, एक फ्रेश चपाती और दूसरी चपाती में हमारे पास फंगस है। आप देख सकते हैं इस चपाती को। दे कोज डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। फंजाई जो है वो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में डिजीज़ कॉज करवाती है, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट पिक्चर में ये जो नेल्स हैं, नेल्स फंजाई की वजह से टूटना स्टार्ट हो गया है। और ये आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हो गई है नेल्स की। आप सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेल्स है वहाँ पर फंजाई ग्रो कर चुकी है, जिसकी वजह से जो नेल्स है उसका कलर येलोइश हो गया है। तो ये जो फंजाई है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। सोच रहे होंगे क्या फंजाई सिर्फ और सिर्फ नेल्स पर अटैक करती है? नहीं, फंजाई आपकी स्किन पर भी अटैक कर सकती है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि फंजाई ने किस तरीके से स्किन को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ फंजाई आपकी नेल्स पर अटैक नहीं करती, बल्कि इट कैन अटैक टू योर स्किन, आपकी स्किन पर भी अटैक कर सकती है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट पर भी फंजाई ग्रो कर सकती है। द किंगडम फंजाई इंक्लूड्स, किंगडम फंजाई में हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो है नंबर वन मशरूम, दिस इज़ द मशरूम यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नाउ द सेकंड इज़ राइजोपस, राइजोपस दिस इज़ द राइजोपस, एंड नंबर थर्ड इज़ यीस्ट। दिस इज़ आर, दीज आर सम एग्जांपल्स एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम फंजाई। Now students, this is your assignment you can take and submit in school. I hope you all have understood about the kingdom fungi. Now अब आप क्या करेंगे, आप अपनी किताब को खोलेंगे पेज नंबर 4 और उसकी रीडिंग करेंगे, फिर आप और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा किंगडम फंजाई के बारे में।